Well, I'm gonna be honest with you. I always wanted to become an actor and a singer, and I truly believed कि मेरे अंदर एक artist है. लेकिन as you know कि हमारे यहाँ पर जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके parents की ख्वाहिश होती है कि या तो वो doctor बने या फिर engineer बने. और मेरे case में my parents wanted me to become a doctor. तो माँबाप की ख्वाहिश थी तो उसको हम रद्द नहीं कर सकते थे. इसलिए फिर I got myself enrolled into this one of the top universities in Pakistan, King Edward. और वहाँ से मैंने डेंटिस्ट्री पढ़ी. बेसिकली उसका एक कॉलेज है डिमॉन्ट, वहाँ से मेरी ड्रीम फिर भी यही थी कि मुझे यार सिंगर और एक्टर मतलब समथिंग रिलेटेड टू दिस फील्ड करना है. और उसके बाद व्हाइल आई वाज इन माय मेड स्कूल आई स्टार्टेड डूइंग मॉडलिंग. मैंने डिफरेंट ब्रांड्स के लिए मॉडल किया. सो आई थिंक दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड. मुझे अभी भी याद है कि जब मैं 3 या 4 साल का था तो मेरे वालिद साहब अमिताभ बच्चन जी की फिल्में बहुत देखते थे. हम लोगों ने जब होश संभाली तो हमने शाहरुख खान जी की फिल्में देखना शुरू की. तो मुझे हमेशा से ही था कि मैं एक दिन इंडिया जाऊंगा और मैं वहां जाकर काम करूंगा. मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो वहां पर इस्लामाबाद में एक पहाड़ था और ये शहनशाह कोई फिल्म मेरे वालिद साहब देख रहे थे तो मैं देखता था उसमें वो जंप करते हैं पहाड़ से. सो मैं भी गया. मैंने अपने वालिद साहब से पूछा कि अगर मैं भी यहाँ से छलांग मारूँगा तो क्या मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊँगा. मतलब आई कुडंट इवन से हिज नेम प्रॉपरली. सो समवेयर मुझे हमेशा से ही था कि मैंने इंडिया जाना है. और ये यही बात होती है कि आप अगर किसी चीज़ के बारे में सोचें, इमेजिन करें और आप आई थिंक पूरी मतलब अल्लाह ताला जो है वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रिया और मौके खुद ही बना देते हैं और आप इस तरह आ जाता. आप जस्ट इमेजिन कि जो मैंने कमर्शियल किया उसकी शूट ही इंडिया में थी, वो तो मैंने प्लान नहीं किया था. सो समवेयर आई थिंक माई डेस्टिनी वॉज रिटन हेयर. और शायद मैं और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि जो मैंने सोचा कि मैं करना चाहता हूँ मैंने वही किया. ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. यू नो आई वुड से दैट उस गाने की वजह से ही मुझे ये फिल्म मिली. बेसिकली एक कोई हमारे कॉमन फ्रेंड थे मेरे और विक्की जी के, उन्होंने ये गाना विक्की जी को सुनाया. तो विक्की जी ने जब पूछा कि सिंगर कौन है, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से. सो मिस्टर विवेक कुमार कॉल्ड मी अप एंड ही सेड दैट आई वांट दिस सॉन्ग फॉर माय फिल्म. एंड आई सेड ओके फाइन, बिकॉज मैं ऑलरेडी फिल्मों के लिए गाने तो कर रहा था. एंड देन आई थिंक ही गूगल्ड मी एंड ही सॉ माय पिक्चर्स एंड ही सेड दैट वुड यू बी इंटरेस्टेड इन एक्टिंग. सो आई सेड यस डेफिनेटली, यू नो आई वुड लव टू एक्ट. और उसके बाद उन्होंने मुझे एक स्क्रिप्ट भेजा. उन्होंने कहा मुझे इस पर ऑडिशन करके दो. तो मैंने वहाँ से ही ऑडिशन किया और उनको यहाँ पर भिजवाया. एंड लकीली यू नो आई लैंडेड अप विद दिस रोल. एंड आई वुड से कि उस गाने की वजह से ही जो है ये फिल्म भी मुझे मिली. सो दैट सॉन्ग हैज़ बीन वेरी लकी. एंड आई होप कि लोगों को भी इतना ही पसंद आए जितना मुझे इसको शूट करने में मज़ा आया और जितना मैजिक इसके. अगर इफ़ यू गो एंड चेक आउट द वीडियो ऑफ दिस सॉन्ग, आई थिंक बड़ी ज़बरदस्त इसकी वीडियो भी है, क्या सिनेमाटोग्राफी है. तो जितना मज़ा मुझे शूट करने और जो मैजिक वहाँ पे क्रिएट हुआ, आई होप कि जब लोग सुनेंगे और वो वीडियो देखेंगे तो उनको भी उतना ही मज़ा आएगा. मेरा क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है बॉलीवुड फिल्म्स में, लेकिन जहाँ तक विक्की जी का ताल्लुक है तो मुझे बड़ा ही मज़ा आया उनके साथ फिल्म शूट करने का, बिकॉज़ आई थिंक ही वॉज़ अ वंडरफुल प्रोड्यूसर. आप इस लिहाज से कह सकते हैं कि बहुत ही बड़े दिल के प्रोड्यूसर हैं कि नए लड़के लड़की को लेके इतनी बड़ी फिल्म बनाना, यू नो इट टेक्स लॉट ऑफ कट्स. और उन्होंने ये काम किया और फिल्म प्रोड्यूस की. एंड एज अ डायरेक्टर इट्स हिज डेब्यू आल्सो. एंड ट्रस्ट मी दैट ही एग्जैक्टली न्यू व्हाट ही इज़ डूइंग और क्या उन्हें शूट करना है. सो आई थिंक उनका होमवर्क बड़ा कम्प्लीट था और पूरा था उनका. सो आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद विवेक कुमार. I have no words for that. I simply fell in love with that city. I fell in love with the people of Krakow. And मुझे इतनी अच्छी लगती है वो जगह कि it has become one of my favorites. And अभी भी जब मुझे टाइम मिलता है, मतलब इवन फिल्म शूट के बाद भी, when I went back to Pakistan after New Year's के लिए मैं दोबारा Krakow गया, मुझे इतनी अच्छी वो जगह लगती है. और अभी भी जब भी मैं कभी कहीं बाहर अमेरिका वाली साइड पर जाऊँ या ट्रैवल कर रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पर 2 या 3 दिन लाजमी रुकूँ. बिकॉज पता नहीं, मुझे उस जगह से कुछ मेरी एफिलिएशन ज़रूर है. रेनिल के साथ बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था. रेनिल बड़ी ही ज़बरदस्त एक्ट्रेस और मंजीवी कलाकार हैं. डांसर भी बहुत अच्छी हैं, बिकॉज शी स्पेशलाइज इन दैट. सो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाती है अगर आपका को एक्टर अच्छा हो. इट्स
it becomes easier because acting जो है वो action reaction की game है. It becomes easier for an actor अगर उसका co-star आगे से spontaneous है. So बहुत सारे scenes को फिर improvise करने का मौका भी मिला. So I think I'm glad that I worked with her. अभी तक मेरी लाइफ में तो कोई ऐसी लड़की आई नहीं कि जिसके पीछे मैं इतना पागल हूँ. तो वो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट था, लेकिन फिर उसको सोचना पड़ा, इमेजिन करना पड़ा. अदरवाइज बाकी चीज़ों के लिहाज से तो इट वाज वेरी क्लोज टू माय रियल कैरेक्टर, जिस तरह का मैं हूँ. सो आई जस्ट प्लेड माय सेल्फ. रोमांस वाला थोड़ा काम मुश्किल था, क्योंकि इसमें द गाय गोज वेरी क्रेजी आफ्टर द लेडी, तो उसको भाव इतना दे नहीं रही होती, जबकि ऐसी कभी सिचुएशन मुझे फेस नहीं करनी पड़ी. व्हाई नॉट, अगर इतनी ज़बरदस्त लड़की हो तो मेरा ख्याल है उसके पीछे पागल होना तो बनता ही.